फाइनली आज हम लोग पहुंच गए हैं इंडियाज लाफ्टर चैंपियन के फाइनल्स में। एक बार हमारे मेहमान के लिए जोरदार तालियां। और अनन्या, यस भाई, चंकी से जाके बोलना कि उसके पास मेरे 5 लाइटर है, वापस करे वो। शेखर जी, अर्चना जी, जी जी, आपको पता था ना कि लॉकडाउन फर्स्ट जब पार्टी हुई सलमान भाई के फार्म हाउस पे, कितना ज्यादा वहाँ पर केओस हो गया। लॉकडाउन जब बढ़ा तो लोग एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन बाद में लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, अब उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो गई कि सबका दिमाग सटक गया, एकदम पागल हो गए। अजीब अजीब किस्म की लोग हरकतें करना शुरू कर दी इन लोगों ने। कोई पेड़ पौधों से बातें कर रहा है, कोई जानवरों से बातें कर रहा है, हमारे नाना घोड़े से बात कर रहे हैं। कैसे बताऊं तू मेरे लिए क्या है? हाँ, तू गीत है, संगीत है, मनप्रीत है, हरप्रीत है, गुरप्रीत है, जिंदगी का साज है, अल्फाज है। हाँ, कैसे बताऊं तू मेरे लिए क्या है? नाम क्या है तेरा? अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। फरहान ने देख लिया कि ये कुछ बात कर रहे हैं घोड़े से, वो भाग के आगे, ओह ओह, हाय नाना, चेहरे पे मास्क लगा रहे हो, तू जिंदा हो तुम, हाथों को सैनिटाइजर से साफ कर रहे हो, तू क्यों शर्मिंदा हो तुम? कैसा है तू फरहान? ओह, मैं एकदम अच्छा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका मूड कैसा है? अगर तू गाना नहीं गाएगा तो अच्छा है। यू नो, आज मैं यहाँ पर गाना गाने नहीं, गाना सिखाने आया हूँ। ये घोड़ा भी मना कर रहा है। बीच में घोड़ा। प्लीज नाना, प्लीज एक बार करते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। नो नो, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। नो, पवन शोर, पवन शोर। नो, सावन का महीना पवन करे शोर। अरे क्या है, हाँ, काहे को बचाने ला पवन इतना शोर, दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे नहीं बचाना, क्या है ये? हाँ, इधर में लॉकडाउन में साला फंस पड़ा है, इसको गाने की बजाय रे टाइम गाने का है, दिमाग सटा गया है। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, नीचे पवन करे शोर, पवन करे। अरे काहे को पवन करे शोर? यहाँ पर ये जो बेचारे ये गाने से परेशान थे, और वहां पर शेट्टी साहब जो है खाने से परेशान है। जैकलीन उनको जो है यूट्यूब के वीडियो देख देख कर अजीब किस्म के अतरंगी खाने खिलाती है। ये डलगोना काफी तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में लज़ानिया बुसीटा रानो ट्रिक देना अजीब किस्म का, ये यहाँ पे डिशों का नाम है। बोलने में मेरी जबान टेढ़ी हो जाती है, मुझे अपनी माँ के हाथ की दाल खानी है, बाप के हाथ के टिंडे खाने है, चाचा के हाथ के चावल खाने है, शक्ति देना वाही। त्रिपाठी जी भी बगल में बैठे थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माय गॉड, ये लज़ानिया का है, कल हम भी लज़ानिया खा रहे थे, हमारे मुंह में फंस गया, निकालने के लिए फिर बुरसेटा से निकालना पड़ा हमें। और जानते हैं, कल ये जैकलीन राजपाल से बोली कि रोसोटो खाओगे तो साला खुशी के मारे मुंह से झाग छोड़ दिया। और वहां पर ना ऋतिक स्विमिंग पूल एरिया में सर जो से पैर लटका के बैठा हुआ आदमी, अब अजय उनको देख लेते हैं। अरे क्या हुआ टू गो, आज तू इतना मुंह लटका के क्यों बैठा है, और आज तू बोल भी नहीं रहा, आज ऋतिक रोशन है, तुझे बोलना चाहिए ना। क्या हुआ तुझे? It's too much. I don't know what to do. It's getting personal. Danny साहब ने मुझे परेशान करके रखा है। मेरे पीछे ऐसे पड़े जैसे मैं कोई 90s की हीरोइन हूँ। I mean, याद ही मुझे आते जाते छेड़ता रहता है। मेरे अंगूठे को देख के मुझको चिढ़ाते हैं। मुझको बोलते हैं तुम्हारा अंगूठा नहीं, ये तंबोला है। जलते हैं वो तुझसे। शायद उन्हें पता नहीं कि तेरे अंगूठे से कितना काम हो सकता है। जब तू वीडियो देखता है तो लाइक और डिसलाइक बटन एक साथ लाइक कर सकता है। नूडल्स खाते टाइम तुझे फोर्क की जरूरत नहीं पड़ सकती। लोगों की तो 5 उंगलियां घी में होती हैं। तेरी तो एक्स्ट्रा वाली भी है।
आई मीन वो सब तो ठीक है, कल रात को उन्होंने मुझसे 17 बार कहो ना प्यारे पे डांस कराया और पूरी रात थकने के बाद मैं सुबह जब बगीचे पे गया तो कुत्ते मुझको देख के चिढ़ा रहा है। बेचारा राजपाल एक जगह बेचारा मदहोश सा बैठा हुआ है और अंदर कुछ और बड़बड़ा रहे हैं, नसीर साहब सुन रहे हैं, अरे कह रहे हैं ये साला देख रहे हो ये करुणा है कि भागने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई घर आया पुराना रिश्तेदार है। देखो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, नहीं है परेशान होने की जरूरत भाई, जैसे ये लॉकडाउन खुल जाए तुम RT-PCR करा के अपने गांव चले जाना। अरे मैं RT-PCR नहीं, मैं डायरेक्ट तत्काल कराएगा। RT-PCR मतलब ये कोरोना का टेस्ट होता है। अरे भैया ये कोरोना के चक्कर में आजकल ऐसे ऐसे शब्द सीख गए हैं कि दिमाग काम नहीं करता है। अरे पहले वो क्वारंटीन सीखे, जैसे तैसे उसको सीखे, उसके बाद में नया शब्द आ गया रेमडेसिविर, अब रेमडेसिविर सीख लिया, उसके बाद में आ गया हाइड्रोक्लोरोक्विन, अरे ये सब सीख लिए, लेकिन साल ये लोग अभी तक जो है वैक्सीन नहीं बना पा रहे। अरे भैया हम तो कहते हैं कि अगर वैक्सीन नहीं बना पा रहे हो तो वायरस को देखने वाला चश्मा बना दो, साले से चप्पल से कूट कूट के वायरस को मार देंगे हम। नवाज एक दिन बहुत परेशान थे तो इन्होंने जूम कॉल पे एक मोटिवेशनल स्पीकर से बात की। सैड गुरु, कैन यू टॉक अबाउट लाइफ? इफ यू आर सैड, डोंट बी सैड। अरे मेरे को मालूम नहीं है कि आप अभी क्या बोले, लेकिन मेरे को सुन के बहुत मस्त लगे ला। अभी गुरुजी मेरे को एक बात बोलने का है। मेरे को ना अभी इस लॉकडाउन में बहुत सफोस्टिकेशन हो रहा है। आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट सफोकेशन। हाँ वही 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 बोला। नाउ टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। अभी क्या है ना कि ये त्रिपाठी जी क्या किया, किसी ऐसा गुरु गुरु को सुन लेना, उसके बाद में बरगद का पेड़ के नीचे बैठ के ऐसा आम ब्रह्मस्मी ऐसा करता रहता तो मेरे को बहुत टेंशन होता है। व्हाट इज ट्रबलिंग यू? Tell me. Problem ये है कि मेरे को ऐसा बार बार बुला के मेरे को गोदी में बैठा लेते हैं। अभी कुछ ऊंच नीच हो गया तो भी जवाब कौन देगा? शेखर जी सब लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार लॉकडाउन की खबर आने वाली है, लगता खुलने वाला है। अरे भाई साहब, अरे वाह 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 वाह, अरे दैया 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 दैया, अरे भाई साहब, अरे ये देखिए, अरे लगता है क्या हुआ है भाई साहब, आज आज खबर आने वाली है, लगता है हम लोग बाहर जा पाएंगे। अरे अरे हम तो कहते हैं कि सबसे पहले अगर हमको बाहर जाने का मौका, सबसे पहले तो हम यहाँ पर रसगुल्ला खाएंगे। अरे हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अरे मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो मालूम है कि इधर पहले संडास पे बैठ बैठ के मेरे को बहुत प्रॉब्लम था, अपने वाले पे जाएगा लाइफ एकदम सेट हो जाएगा, मेरे को उधर पे ही जाने का है। सही कहा तूने, बहुत दिन से मैंने भी नहीं खाई है, मैं भी जाऊंगा। बोलो बोलो बोलो, बाकी तो तुम लोग समझ ही गए होगे। ब्यूटिफुल 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 जय विजय, हम तो पहले से ही आपके मुरीद थे लेकिन अब तो और भी बड़े मुरीद हो गए हैं। जय विजय, इट इज सो डिफिकल्ट टू डू व्हाट यू डू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सो वंस अगेन थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय विजय, जो तुमने परफॉर्म किया, आई थॉट कि अगर मैं बैठ के बोलूंगा और तुम्हारी तारीफ करूंगा तो वो धृष्टता होगी। अरे सर, जो सम्मान के हकदार हो तुम, उसके लिए खड़े होकर तारीफ करना बहुत जरूरी है किसी कलाकार के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय, हमारे लिए मान सम्मान की बात है कि तुमने इस मंच की तकदीर को पलट दिया है। थैंक यू सो मच विजय, आई थिंक यू नो दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट टैलेंट्स। जय विजय, आपने तो वाट लगा दी, परफॉर्मेंस की वाट लगा दी, 100% वाट लगा दी। जो आपने एनर्जी डाला स्टेज पे, जो नॉन स्टॉप इतने वॉइसेस किया आपने, एंड आई थिंक यू हैव वन स्लाइट एडवांटेज बिकॉज सबकी फेवरेट एक्टर्स थ्रू आप परफॉर्म करें, आपका कॉमेडी थ्रू, देयर विल बी पीपल हु लव सलमान भाई, ऋतिक सर, डूइंग योर कॉमेडी थ्रू देम, सो देयर इज वन
जो एक इमेंस कनेक्ट रहते हैं ऑडियंस में. आई ग्रू अप इन अ हॉस्टल तो उतना सिनेमा नहीं देखा, फिर भी जब भी आपने वॉइस चेंज कर रहा था मैं फॉलो कर रहा था कि कौन कौन है. इट वॉज टेरिफिक, लाइक अमेजिंग अमेजिंग शो. कंग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू सो मच. I think मेरे मुंह में 5 मक्खियां रह रही है because the whole time my mouth was just open. I was in shock. I think at this point आप मेरी आवाज मुझसे better कर सकते हैं. मुझे अच्छा लग रहा है. I have no words. Thank you. I felt कि मैं 50 पिक्चरें देख रही हूँ एक साथ. It was just brilliant. Wow. Brilliant. Thank you so much. Too good. Thank you. आप please एक और बार पंकज जी की आवाज निकालिए ना please. My favorite too. अब देखिए आपने रिक्वेस्ट किया है. मकबूल भाई देखो एक काम की व्यवस्था करो, पूरे जो है उत्तर प्रदेश बिहार में एक बात याद रखना, बिटिया की पिक्चर कहीं भी लगेगी देखना जरूर. पूरा समर्थन होना चाहिए. थैंक यू. ये पी ले. अरे इधर फिट क्या कराया हुआ है तूने? कुछ फिट किए हैं उधर. हाँ हमारे हस्बैंड को सिखाइए ना कुछ ऐसा. आपके हस्बैंड को भी सिखा दिया जाएगा, बुलाइए उन्हें किसी दिन. लाइएगा थोड़ा बहुत आए ऐसा वैसा जो है सिखा देंगे भाई साहब. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.